नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दिल्ली एनसीआर से खबर है जहां वायु गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार आया है। दिल्ली में क्यूआई 361 पहुंची है, स्थिति पहले से बेहतर हुई है। बीते दिन दिल्ली में क्यूआई की बात करें तो 1000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका था। लोधी रोड इलाके में पीएम 2.5 और पीएम 10 से 500 के पार पहुंचा। तो आंकड़े आपको लगातार जो हम दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर अभी भी पूरी तरीके से परिस्थितियां नहीं ठीक हुई हैं, लेकिन कल के मुकाबले अगर आंकड़ों की बात करें तो काफी बेहतर यहां पर अब मौसम दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रदूषण की एक जो परत थी कहीं ना कहीं अब छटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल AQI की बात करें तो 1000 के पार ये पारा पहुंचा था, और आप सोचिए कि बाहर निकलना आपका कितना दूभर हुआ था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज मौसम में काफी सुधार है, प्रदूषण में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। सरकार और प्रशासन ने मिलकर कोशिशें यहाँ पर की है, उसका भी एक तरीके से फल देखा जा सकता है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही आपकी और हमारी भी एक नागरिक होने के नाते, एक समाज में रहने के नाते नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आदेश हमें दिए जा रहे हैं उनका भरपूर तरीके से हम पालन करें, क्योंकि दमघोटू हवाएं लगातार हमारी जान को खतरा पैदा कर रही हैं। तो इनपुट एडिटर अमित चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, कल जिस तरीके से खतरनाक परिस्थितियां बनी हुई थी, आंकड़ा 1000 के पार था, उसके मुताबिक देखा जाए तो आज परिस्थितियां कहीं ना कहीं काबू में है। आज की अगर बात करें तो आज सुबह से जो हवा है वो दिल्ली एनसीआर में चल रही है, और मौसम विभाग ने 2 दिन पहले इस बात की आशंका जताई थी कि दिल्ली एनसीआर में हवा शनिवार और रविवार से हवा चलनी शुरू होगी, और हवा चलने के साथ साथ जो पोल्यूशन है उसमें काफी कमी आएगी। आज पोल्यूशन के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आज के आंकड़े काफी कम दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कल जहरीली हवा थी और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आज सूर्य भी सुबह से ही दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर पोल्यूशन को कम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की बात करें तो कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को सुनवाई हुई थी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था। उन सबकी तरफ से जो भी तथ्य पेश किए गए उनसे सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी जताई और कहा कि जो आदेश दिए गए उन आदेशों के आधार पर चारों राज्यों की सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी और तब तक पूरे क्या क्या कदम उठाए गए पोल्यूशन कम करने को लेकर, पराली जलाने को लेकर, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को सचिव किया है। बिल्कुल, चलिए अमित, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम सरकारों को फटकार लगाई थी, क्योंकि सरकारें सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने का काम प्रदूषण के मामले में कर रही थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर वार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी सवाल आम आदमी पार्टी से पूछ रही थी कि आखिरकार आपने क्या किया, लेकिन इसी बीच किसी ने भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाएगा। लेकिन अब प्रशासन के स्तर पर कड़ी कार्रवाई की गई है, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तंदूर को बंद करवाया गया है, छापेमारी लगातार जारी रही है, ऑड इवन लागू किया गया, जिससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यहां पर तब्दीली हमें नजर आ रही है।